Hello everyone. In this video, we will talk about some special provisions of GST. First, let's talk about GST network. देखिए GST network क्या होता है basically. देखिए before GST हमने पढ़ा था काफ़ी सारे problems issue होते थे like related to the making payment by taxpayers as well as payment received by the tax authority. लाइक सपोज अगर मान लीजिए टैक्स पेयर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे एक्साइज ड्यूटी टू द एक्साइज डिपार्टमेंट एंड इफ ही इज रिलेटेड टू सर्विस देन ही नीड टू गो गो टू सर्विस डिपार्टमेंट सेम रिलेटेड टू सेल्स ही नीड टू ही हैड टू गो टू वैट डिपार्टमेंट. तो उस केस में क्या होता है देखिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते तो जितने टैक्स होते उतने उतने ही डिपार्टमेंट होते थे. तो उस केस में जो है टैक्स पेयर को भी टैक्स अथॉरिटी को भी जो है टैक्स पे करने में कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी. इवन इन द केस ऑफ इंटर स्टेट लाइक अगर मान लीजिए कोई भी जो है सप्लायर है अगर उसकी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है वो कहीं पर भी देन ही नीड टू टेक पे टैक्स टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो इस केस में जो है टैक्स को मतलब कैलकुलेट करना कितना टैक्स रिसीव करना है कितना पेमेंट करना है तो इस केस में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी. स्पेशल जो मेन कंसर्न था रिलेटेड टू दी टैक्स में वो कहता था ITC इनपुट टैक्स में. जब वैट आया था तब गवर्नमेंट जो है ITC का बेनिफिट देने का बोला था बट पर जो ITC जो है किसी को बेनिफिट किसी को मिलता ही नहीं था बहुत रेयर काम था क्योंकि जब टैक्स अथॉरिटी को ये नहीं पता था कि टैक्स किसको देना है किसको लेना है ये नहीं समझ आता था क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है GST नेटवर्क के बारे में बनाने की सोचा था. तो बेसिकली क्या है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर फॉर द टैक्स पेयर टू पे एंड फॉर द टैक्स अथॉरिटी टू मॉनिटर ऑल द टैक्स लाइबिलिटीज. ठीक है तो देखिए अब GST की बात क्या हुआ. देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को 1380 करोड़ रुपीज़ दिए टू बिल्ड अ GST नेटवर्क और टू बिल्ड अ कॉमन पोर्टल which is the interface between the taxpayer and the government between the taxpayers and the government. एक basically common portal हो जाता है tax authority के लिए भी government के लिए भी and taxpayer के लिए भी. अब देखिए basically इसमें taxpayer को benefit क्या होगा common portal में जाके देखिए वो registration भी करा सकता है easily. ठीक है उसके लिए देखिए वो return भी कर सकता है कोई भी तरह की payment भी कर सकता है. ठीक है या फिर उसको जो देखिए हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलेगा हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलेगा. तो इस केस में जो है टैक्स पेयर के लिए वो जो है सारे के सारे अपने ट्रांजेक्शन को वो ट्रैक कर सकता है. इवन उसको जो है ITC का बेनिफिट भी वो इजीली मिलेगा उसको क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी. ठीक है सेम फॉर द टैक्स अथॉरिटी. टैक्स अथॉरिटी के लिए क्या होगा दे कैन इजीली अप्रूव ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस असेसमेंट वो इजीली कर सकते हैं. ठीक है रिफंड वो जल्दी कर सकते हैं ऑडिट भी कर सकते हैं वो इजीली. ठीक है रिकवरी एडजस्टमेंट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस GST पोर्टल के थ्रू जो वो इजीली कर सकते हैं. ठीक है तो GST पोर्टल बनाए इसलिए है टू सिंप्लीफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस. ठीक है अब अगर आपसे पूछे कि मुझे GST एंड आखिर में है क्या तो बेसिकली क्या है इट इज़ बेसिकली अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 28 मार्च 2018 विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़. ये एक नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी याद रखना है. ठीक है अच्छा इसका जो है इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे कैसे है. जो मेजर जो इक्विटी जो होल्ड की है वो किसने की हुई है NBFCs ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कॉरपोरेशन ने. ठीक है एंड रेस्ट जो है वो इक्वली जो किसके बीच में बट गया स्टेट एंड सेंटर में दैट इज 24.5% एंड 24.5%. ठीक है सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी GST नेटवर्क. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई. देखिए ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. पढ़ते देखिए कंपोजिट मिक्स अप्लाई क्या होता है. देखिए बेसिकली एग्जाम में तो इसका जो है मेजरली इसका डिफरेंस आता है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई. डिफरेंस है क्या पहले तो इसका कुछ सिमिलरिटी होगी तभी तो कुछ डिफरेंस होंगे. तो उसकी मेन सिमिलरिटी क्या है
when there are two or more supply of goods or services at the same time, यानी कि टू यानी कि दो तरह के गुड्स या ये दो अलग टाइप के गुड्स है वो सप्लाई जो है वो हो रही है एक टाइम पे हो रही है, तो उस केस में मेजर कंसर्न होता है वो होता है रेट ऑफ टैक्स में कि जीएसटी जो है किस पे लगेगा। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या होता है। देखिए कंपनी टू सप्लाई, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए मान लीजिए अगर आप किसी होटल में हो, ठीक है, आप होटल में देखिए लंच डिनर, ठीक है, या वहाँ पर जो और भी तरह की जो आप सर्विस ले रहे हो, लाइक सपोज स्पा का आप जो है ले रहे हो, सारे सर्विस ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जी की स्विमिंग भी है, ठीक है, तो जब आप जो है वहाँ पर जब चेकआउट करते हो तो वहाँ पर जो है आपको एक कंपोजिट बिल मिल जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई बेसिकली होता है, इट इज़ बेसिक बेसिकली अ नेचुरल बंडल्ड सप्लाई। नेचुरल बंडल्ड सप्लाई मतलब क्या होता है, यानी कि ये सर्विस एक आपको कहाँ पर है, होटल में मिल रही है, यानी कि ये सप्लाई आपको एक साथ मिल रही है, अलग अलग नहीं मिल रही, जो कि अलग नहीं हो भी नहीं सकती, ठीक है, तो इसको इसलिए को बोलते हैं नेचुरल बंडल्ड सप्लाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस पर टैक्स रेट कौन सा होगा, क्योंकि देखिए ये जो फूड आइटम है आपको पता है रेस्टोरेंट में जो है 5% टैक्स लगता है, ठीक है, लेकिन होटल की जो सर्विस में 18% टैक्स लगता है, ठीक है, तो अब टैक्स किस पर लगेगा, किस पर लगेगा, प्रिंसिपल आइटम पे, यानी कि जो मेन मेनली जो सप्लाई हो रही है वो कौन सी हो रही है, होटल सर्विस की हो रही है, तो दैट मीन्स 18% ही वो टैक्स होगा, ठीक है। सो दिस इज दी अबाउट कंपोजिट सप्लाई। नाउ कम टू मिक्स सप्लाई। देखिए इसका सीधे सीधा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो है दिवाली टाइम पे आता है। देखिए जैसे मान लीजिए बास्केट है, उस पर आप जो गिफ्ट दे रहे हैं, अब उसमें मान लीजिए फ्रूटी के पैकेट्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी है, कुछ मिठाइयाँ भी हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं। आप जो किसी को किसी अपने रिलेटिव को दे रहे हो, किसी फ्रेंड्स को दे रहे हो, आप देने जा रहे हो, तो उसमें जो है ये क्या बोलते हैं मिक्स सप्लाई होती है, ठीक है, इस ये नेचुरल बंडल नहीं होता, ठीक है। देखिए सप्लाई जो जो आपका आपने जिस शॉप से आपने खरीदा है, आप तो अलग भी ले सकते थे, फ्रूटी अलग ले सकते थे, कोल्ड ड्रिंक अलग ले सकते थे, मिठाई अलग दे सकते थे, लेकिन आपने जो है सोचा आपने किस मिक्स दे मिक्स टाइप के गुड्स को दे आप गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई, मीन्स नॉट अ नेचुरल बंडल, दैट मीन्स इसकी अलग अलग सप्लाई हो सकती थी लेकिन आप नहीं कर रहे, ठीक है। अब इसमें भी मेन जो कंसर्न होता है किसका, टैक्स रेट का, तो उसमें देखेंगे इन सब आइटम में जो है सबसे मैक्सिमम टैक्स रेट अमाउंट नहीं, टैक्स रेट किसका होगा, यानी कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का 18 होगा, किसी का 24 होगा, किसी का 5% होगा, तो उसे देखेंगे हाईएस्ट परसेंट, मान लीजिए हाईएस्ट परसेंट कितना है पर 24% है, तो सब में ही 24% जो है वो टैक्स रेट लेगा कम सब बिल का मिलाकर, ठीक है। सो दिस इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू, प्लीज कीप सब्सक्राइब माई चैनल।